आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है। चाहे 5 लाख तौकीर राजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे और बोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के राहुल गांधी और लालू यादव दोनों पर ही हमला बोला है। दरअसल बेगूसराय पहुंचे हुए हैं गिरिराज सिंह, इससे पहले भी वो लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है बोलते हुए नज़र आते हैं, अपना बयान देते नज़र आते हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि जितने भी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बुर्का न पहनने के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन बिहार में एक नई संस्कृति और हमारे देश में एक नई संस्कृति शुरू हो रही है और ये शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव है। तो देखिए बेगूसराय पहुँच कर किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के अपना बयान दे रहे हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने लालू यादव पर भी बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा है कि दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में लालू यादव और राहुल गांधी जैसे नेता है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देते बल्कि महिलाओं को दबा करके रखने वाले ये नेता है। क्या कुछ बेगूसराय से कह रहे हैं गिरिराज सिंह, किस तरीके से उन्होंने लालू यादव पर और राहुल गांधी पर हमला बोला है, उनकी बातों को सुनवाते हैं। आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है। जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वहां भी आखिर हो क्यों नहीं। जब कोई धर्मगुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, यानी कानून से मतलब नहीं। तौकीर राजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक, ये बोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। इसीलिए यहाँ भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है, बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए। यही स्थिति है भारत की। और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकीर राजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे और बोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि जो भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, 50-50 करोड़ विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के सीएम खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और अभी तक वो निर्लज्जता की सीमा पार कर गए हैं। और कर्नाटक अभी पूरे देश में तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा की राजनीति कर रही है। अब टेंडर में अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा।